तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फलहार की रेसिपीज़, क्योंकि आने वाले महीने मतलब कि सावन और सावन के सोमवार जो है पूरे भारतवर्ष में मेरे को ऐसा लगता है कि 90% महिलाएं रहती हैं, तो इसीलिए मैं उन लोगों के लिए बहुत ही आसान दो रेसिपीज़ लेके आई हूँ फलहार की। तो पहली है मेरी ये मिक्सचर, तो देख लीजिए इसमें क्या-क्या लगेगा। ये है बादाम, ये है मूंगफली, ये है मखाना, जिसके मैंने देखिए दो 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 टुकड़े कर लिए हैं इस वजह से, क्योंकि कभी कभी इसके अंदर जो है वो कीड़ा भी पाया जाता है, तो इस तरीके से ये मैंने दो टुकड़े कर लिए हैं। उसके बाद ये है सेंधा नमक। सेंधा नमक उन लोगों के लिए जो सेंधा नमक यूज़ करते हैं, बहुत परसेंटेज ऐसी होती है कि सेंधा नमक भी वो लोग नहीं यूज़ करते हैं। ये है काली मिर्च और ये है देसी घी। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए ये मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, अब हम इसमें ये जो मूंगफली है इसको हम डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए इसको हम 2-3 मिनट बढ़िया से भून लेंगे। तो देखिए ये हमारी मूंगफली बढ़िया से भून के तैयार हो गई है। इसको मैंने लगातार चलाया है और ये हाथ से ऐसे चेक करके पता चल जाता है कि ये हमारी मूंगफली हुई है कि नहीं। अब हम इसको एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे बढ़िया से। आप लोग भी जब भूनिएगा तो इसको अच्छे से पहले हाथ से चेक कर लीजिएगा और सावधानी पूर्वक। मेरे को आदत है इसलिए मैंने छू लिया, आप लोग एक दाना नीचे उतार के भी चेक कर सकते हैं। तो अब मैं इसको एक बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। ये देखिए मेरा आधा चम्मच ही निकला है। जो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके प्रिकॉशन में है वो थोड़ा कम घी डालें, और ये बिना घी के भी बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसमें घी डाल देते हैं तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो अब हमने जो ये मखाना और ये जो बादाम रखा था उसको हम ये अब कढ़ाई में डाल देंगे पूरा, और आँच बिल्कुल मध्यम क्या कम ही रखेंगे, क्योंकि आँच अगर हम तेज़ कर देंगे तो ये लाल ज़रूर हो जाएगा लेकिन ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं होगा। तो इसीलिए इसको बिल्कुल ही कम आँच पे धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से घुमाते हुए इसको चलाना है। ये देखिए इस टाइप से बढ़िया से चलाते रहना है, और फिर वही हाथ से एक बार चेक करना है कि मखाना हमारा क्रिस्पी हुआ है कि नहीं। ये जल्दबाजी में लाल हो जाएगा, हमको लगेगा कि ये लाल हो गया लेकिन ये अंदर से कच्चा ही रह जाता है। तो इसको कम से कम 3-4 मिनट तक लगातार इसको चलाना है, उसके बाद चेक करना है कि ये क्रिस्पी हुआ है कि नहीं। ये देखिए हमारा मखाना और ये बादाम हल्का हल्का लाल होना शुरू हो गया है, और मैं एक आप लोगों को चेक करके भी दिखाती हूँ कि किस स्टेज पे ये साइन होगा कि अब ये क्रिस्पी हो गया है। तो देखिए ये कैसे लेके ऐसे हम तोड़ेंगे, ये देखिए कट की आवाज़ आनी चाहिए। देखिए सुनिए, ये देखिए थोड़ा सा और 2-3 मिनट और उसके बाद ये हमारा तैयार हो जाएगा। मखाना हो गया है, इसका सिग्नल ही यही है, इसका साइन ही यही है कि इसको ये हाथ में लेके, और देखिए कट से आवाज़ आई है। 2-3 मिनट और तब तक ये पूरा का पूरा अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो देखिए अब ये हमारा मखाना और ये बादाम अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम इस स्टेज पे जो है गैस बंद कर देंगे, और जो ये हमने मूंगफली जो है सेक के रखी थी उसको भी हम इसी में मिला देंगे बढ़िया से, इसको भी इसमें मिला देंगे तो ये घी का स्वाद इसमें भी आ जाएगा। अब यही एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि जो महिलाएं या जो पुरुष इसमें सेंधा नमक नहीं लेते हैं, काली मिर्च नहीं लेते हैं, उनके लिए ये मिक्सचर रेडी है खाने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेंधा नमक और काली मिर्च खाते हैं, उनके लिए अब मैं इसमें सेंधा नमक थोड़ा सा मिला दूंगी, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ सेंधा नमक और काली मिर्च के
तो ये मैंने मिला दिया सेंधा नमक, और ये मैंने थोड़ा सा इसमें ये मिला दिया काली मिर्च, और हम इसको एक बढ़िया सा मिक्स दे देंगे, बढ़िया से हर चीज़ को सॉटे कर लेंगे। तो ये हमारी फलहारी मिक्सचर बनके तैयार है। तो जो मेरी दूसरी रेसिपी है फलहार की, वो है साबूदाने की खीर। तो देख लीजिए इसमें क्या क्या लगेगा। ये लगभग आधा किलो दूध है, ये है चीनी, सॉरी ये है नारियल का बुरादा, ये है काजू, ये है बादाम। मेरे यहाँ किशमिश नहीं है, तो अगर आप लोगों के पास किशमिश है तो किशमिश भी डाल दीजिए। ये है साबूदाना एक कटोरी, मैंने रात में भिगो दिया था, और ये है चीनी। तो सबसे पहले हम ये दूध को बॉईल करेंगे, उसके बाद उसमें ये साबूदाना डालेंगे। तो चलिए दूध को उबाल लेते हैं। ये देखिए मैंने दूध को चढ़ा दिया है, एक उबाल आने का वेट करेंगे। एक उबाल जब आ जाएगा तब हमने जो साबूदाना भिगो के रखे हैं उसमें हम डाल देंगे, और मीन वाइल मैं काजू और बादाम के पतले पतले इसमें टुकड़े कर लूंगी। तो देखिए ये मैंने काजू और ये बादाम काट दिया है पतला पतला, आपका जैसा मन करे वैसे ही काटिए। और फिर से मैं कहूँगी जो लोग इसको खाते हैं वही डालिए, और जो लोग नहीं इसको खाना पसंद करते हैं वो लोग बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो मैं पसंद करती हूँ, तो ये देखिए मैंने काट लिया है, अब इसको अभी मैं इसी में डाल दूँगी। और ये जो नारियल का बुरादा है उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको एक बार फिर से बढ़िया से हम चलाएंगे, और 3-4 मिनट इसको लगेंगे गाढ़ा होने में। तो बीच बीच में इसको हिलाना है, ये नहीं कि इसको मंद कम आंच पे रख के और हम कहीं घूमने लग जाएं, नहीं तो उसी में ये उबल के नीचे गिर जाएगा। तो इसको ऐसे ही बीच बीच में हिलाते रहना है और गाढ़ा होने का वेट करना है। ये देखिए लगातार 5 मिनट मैंने इसको चलाया है, और ये कंसिस्टेंसी साबूदाने खीर की आनी चाहिए। ये देखिए बढ़िया से, अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाला है, 2 मिनट और उसके बाद हम जब गैस बंद कर देंगे तब हम इसमें चीनी अपने हिसाब से डालेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, अगर आप कम मीठा खाते हैं तो कम चीनी डालिए, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। तो मैं थोड़ा कम ही चीनी खाना पसंद करती हूँ, तो मैं थोड़ा इसमें कम ही डालूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है, ये देखिए बहुत ही लाजवाब ये खीर बनती है। एक बात और, साबूदाने की खीर छोटे बच्चों को भी आप लोग खिला सकते हैं, बहुत ही ये ताकतवर होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही है, तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है ये खीर। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे। तो ये मैंने गैस को टर्न ऑफ कर दिया, अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। तो मैंने पहले ही कहा आपको कि मैं थोड़ा सा कम चीनी पसंद करती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ही डाला है, और इसको हम अच्छे से मिला देंगे, और इसको छोड़ देंगे हम बढ़िया से ठंडा होने के लिए। ये देखिए मैंने बढ़िया से इसको मिला दिया है, ये देखिए चीनी बढ़िया से चीनी इसलिए मिलाना है, अगर आप नहीं मिलाएंगे ना तो ये नीचे बैठ जाएगा। तो इसको बढ़िया से एक बार नीचे से पूरा अच्छे से मिला दीजिए, गर्म है तो चीनी जल्दी से ये मेल्ट भी हो जाएगी। इसको ऐसे ऐसे चला के देखिए, नीचे में आपको चीनी अब नहीं दिख रही होगी, ये देखिए बिल्कुल भी चीनी नहीं है, सारी की सारी जो है वो चीनी मेल्ट हो गई है। ये देखिए तो हमारी ये साबूदाने की खीर बनके तैयार है, अब हम इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो देखिए मेरे ये दोनों फलहार बनके तैयार हैं,
मिक्सचर और साबूदाने की खीर। अगर आप लोगों को मेरी ये फलहार की रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।